कुलदीपक। आप कैसा इम्तिहान ले रही है उस बच्ची का? अगर आपका आशीर्वाद रूपी लॉकेट उसके गले से उतारा गया तो शैतानी शक्तियां जीत जाएंगी। लगता है अंबे माँ स्वयं ही उसकी रक्षा कर रही हैं। मुझे खुद वहां जाकर चिराग के साथ साथ अपनी ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये लो, 20,000 से बहुत ज्यादा है। मुझे वैष्णवी का वो लॉकेट चाहिए। तुम्हें सबसे बड़ा शैतान बनना है तो वैष्णवी को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। खत्म कर दो चिराग, आज अपनी दुश्मन को खत्म कर दो। शैतानी ताकत से उसकी सात्विक शक्तियों पर प्रहार करो। मार दो उसे चिराग, खत्म कर दो। अगर चिराग को शैतानी ताकतों से मुक्त कराने का कोई रास्ता नहीं मिला था तो मैं क्या करूंगी? हे अंबे मां, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। एक माँ अपने बच्चे को नुकसान या दर्द कैसे पहुंचा सकती है? अपने बच्चे की जान वो दांव पर कैसे लगा सकती है? भाभी, उस किताब में चाहे जो कुछ भी लिखा हो लेकिन ये सब मैं नहीं मानती। मुझे पूरा विश्वास है इसके अलावा भी शैतानी ताकत से मुक्ति पाने का कोई और रास्ता जरूर होगा, और मेरी अंबे माँ मुझे वो रास्ता जरूर दिखाएगी। पर विद्या, कोई और दूसरा रास्ता ना हुआ तो? तभी मैं अपने बच्चे को नुकसान या दर्द नहीं पहुँचने दूंगी। भाभी, वो सिर्फ 5 साल का है, वो तो इस बात से भी अनजान कि वो काली शक्तियों के हाथों का मोहरा बन चुका है। चिराग को कब से फोन लगा रही हूँ पर वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मुझे अभी के अभी चिराग से मिलना होगा। चिराग, चिराग बेटा, अरे ये क्या, ये अब तक सो रहा है? तबीयत तो ठीक है ना इसकी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, विद्या इसे यहाँ चिराग का ध्यान रखने के लिए बैठा कर गई है। ये लड़की क्या ध्यान रखेगी चिराग का? वही तो, मुझसे कह देती, आपसे कह देती, पर नहीं। पर पता नहीं कहाँ जल्दी थी इसे जाने की जो इसे यहाँ बैठा गई। विद्या का फोन तो अभी भी आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा है। शीला भाभी को फिर से ट्राई करती हूँ, शायद इस बार वो फोन उठा ले। आवाज तो यहीं से आ रही है। ये देखो, शीला का फोन तो यही पड़ा है। देखा, जाने की इतनी भी क्या जल्दी थी कि फोन यही भूल गई। आने दो दोनों को, चलो किचन में जाके देखते हैं कि रात के खाने का क्या है। आइए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये देखिए, आपके एक्सपेशन के लिए मैंने बनाया है। माता जी के 2 रूप। मेरे दादू ने बताया था मुझे,
ये अम्बे माँ का वो रूप है जिसके अंदर प्रेम और दया भरी हुई है, जो माँ बनकर अपने भक्तों का पूरा ध्यान रखती है। जैसे आप चिराग का ध्यान रखती है ना, बिल्कुल वैसे। और ये काली माँ का रूप जो गलती करने पर अपने भक्तों को भी सजा दे देती है। दादू कहते हैं हर माँ को अपने बच्चों की भलाई के लिए कभी कभी काली माँ का रूप लेना पड़ता है। जैसे आप कभी कभी चिराग को उसकी गलती के लिए डांटती है ना, बिल्कुल वैसे ही। पहले तो मुझे दादू की ये बात समझ में नहीं आई, पर जब से आपको देखा है ना, तब से दादू की बात समझ में आ गई है कि माँ को अपने बच्चों के लिए कभी अम्बे माँ का तो कभी काली माँ का रूप लेना पड़ता है। तो तुम भी उस खेल का हिस्सा बन गई जो विद्या खेल रही है। तो बताओ कि कल तुम विद्या के साथ कहाँ गई थी? हाँ शीला भाभी। वो काम्या अगर तुम उधर बोर हो रही हो तो जल्दी आ जाओ घर वापस। अच्छा ठीक है, तो पहले प्लीज बोलो। प्लीज मीरा आ जाओ ना। बोलो प्लीज, बोलो प्लीज आ जाओ ना। I missed you like anything. सिर्फ तुम नहीं, I also missed you अभी। तुम्हें सारे हम इतने फालतू खोर दिख रहेगा जो ड्यूटी छोड़ के तेरे लिए सारे मकान ढूंढते रहे। अबे टीका, एक आइडिया है। मर्द लोग ना हम औरतों को बेवकूफ समझते हैं। इनको लगता है ये अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हमें बहला लेंगे। हाँ सही पकड़े अनीता जी। मैं तो कहती हूँ अंगूरी जी, हम दोनों को इन दोनों को दिखा देना चाहिए कि हम इनके बिना भी इंजॉय कर सकते हैं। वो कैसे? बहुत थक गया आज तो। अगर विशु जी यहाँ होते तो उनका इन्वर्टर काम आ जाता। ससुरा हमारा घर, हमारा बिस्तर और हम नीचे सोए। अगर आज कोई नीचे सोएगा ना तो वो आप सोएंगे। मारे सर में बहुत दर्द हो रहा, पहले मारी चाय ले। हाँ मुझे वीकनेस हो रही इसलिए जूस मुझे पहले चाहिए। सुमन अब तुम्हें दो प्रोजेक्ट में अपना टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी सो कॉल्ड मासा और तुम्हारा बेटा इस घर में आ चुका, और सुमन प्रोजेक्ट सी में हनीमून भी आता। क्या सोचा गया तुमने? एक बार फिर प्रोजेक्ट सी में, आई मीन प्रोजेक्ट हस्बैंड में फेल होना है तुम्हें। तो
भगवान कंस आज पूतना सिद्ध कर देगी कि पूतना के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम सब लोग मेरे बाल भोज के लिए आए। प्रभु, यदि पूतना के इस विषैली खीर को ग्वाल बालों ने ग्रहण कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। कालकूट विष से कोई भी बालक जीवित नहीं बचेगा। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। एक बार इसे ग्रहण कर ले देवी संतोष, उसके पश्चात आपकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। साधी माँ, पीजिए, क्या सोच रही है आप? बड़ा शौक है ना तुझे प्री इस घर की बहू कहलाने का। चल, शर्त हो जाए, अगर तू इस किचन की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाए तो तेरी जगह साक्षी ले लेगी और तू इस घर की बस नाम की बहू कहलाई जाएगी। बोल, मंजूर है ये शर्त? मंजूर है।